तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है विनीत, आप सभी का स्वागत है हमारे आपके और इस चैनल पर। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ न्यू एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप इस तरीके की अपने नाम वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा यार, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लो। और गाइस, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस, पहला ऐप है पिक्सल लैब और दूसरा ऐप है कैनमास्टर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से हैं तो, भाई बहुत अच्छा है। और गाइस, जो भी मैं इस वीडियो में मटेरियल यूज़ करूँगा उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो में कुछ बनाने में कुछ दिक्कत है तो गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है vinesonial2124, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। सो गाइस, आपको अपना ऐप पिक्सल ऐप ओपन करना है। और गाइस, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है यार, आपको इसका कलर चेंज करना है। सो कलर चेंज कहाँ से होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस पर जाइएगा और इस पर जाके आपको कलर लेना है। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी ये वाला ले लेता हूँ। सो गाइस, ये वाला कलर हमने जो है सेलेक्ट कर लिया। सो गाइस, अब क्या करना है आपको, प्लस वाले पे जाना है और टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आपको ए वाले पे नीचे आना है और भाई एडिट कर देना है। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है यार, आपको सबसे पहले लगाना है दिल और फिर लिखना है अपना नाम, अपना या आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। सो गाइस, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। सो गाइस, आपको फिर से लगाना है दिल और ओके पर क्लिक कर देना। और गाइस, अब क्या करना है आपको, इसको जूम कर लेना है। गाइस, आपको साइड में आना है और साइड में आपको बी का बी स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा और आपको अंदर की साइड भी बी का मिलेगा, आपको इसको बी कर देना है। जो हमारा नेम है वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है। गाइस, अब आपको साइड में बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, आपको बैकग्राउंड को में जाके इनेबल कर देना है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है। सो गाइस, जो हमारा नेम है, अगर आप इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो भाई इसका भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आइएगा और वही कलर पर आइएगा और आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी वाइट कर लेता हूँ, ये देखिएगा। इस गाइस, अब क्या करना है आपको, इसको अपनी गैलरी में सेव करना है। तो गाइस, ऊपर की साइड आइएगा और सेव एज इमेज कर लीजिएगा। और गाइस, जहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है आप वहाँ पे अल्ट्रा कर दीजिएगा और इसको सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। सो गाइस, जो हमारा फोटो है वो गैलरी में सेव हो चुका है। सो गाइस, अब क्या करना है आपको, इसको जो डिलीट कर दें, जो हमने बनाया है उसको डिलीट कर देते हैं। सो गाइस, वो वाला फ़ोटो लेते हैं जो हमने अभी बनाया है। सो गाइस, ये था वो फोटो जो हमने बनाया है। सो गाइस, आपको क्या करना है, आपको इसको इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको जूम कर लेना है अपने हिसाब से। सो गाइस, अब क्या करना है आपको, नीचे की साइड आना है और नीचे की साइड आने के बाद आपको साइड में मिलेगा एक इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको टॉलरेंस का नीचे ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको 70% कर देना है। सो गाइस, आपको प्लस पर जाना है और प्लस पर जाने के बाद आपको पर क्लिक कर देना और जो हमारा रेड कलर का ये है इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये देखिएगा, ये जो हमारा दिल में रेड कलर हो रखा था वो हट चुका है। तो गाइस, आपको नीचे की साइड आना है और भाई ट्रांसपेरेंट कर देना है। ये देखिएगा, जो हमारा फोटो है वो PNG बन चुका है, यानी कि जो हमारा नेम है वो PNG बन चुका है। तो गाइस, अब क्या करना है, इसको भी आपको अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। तो गाइस, अब चल। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कैनमास्टर में। सो गाइस, जैसे ही आप अपना कैनमास्टर ओपन करेंगे, सो गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको 16:9 का फ्रेम सेलेक्ट करना है। और गाइस, सेलेक्ट करने के बाद आपको मीडिया में जाना है, आपको फायर वाला वीडियो लेना है। सो गाइस, ये था वो फायर वाला वीडियो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, अब क्या करना है, जो हमने फोटो पिक्सल लैब एडिट किया था उस फोटो को आपको लेना है। सो गाइस, ये था वो फोटो जो हमने एडिट किया था। सो गाइस, अब क्या करना है आपको, इसको जूम कर लेना है अपने हिसाब से। आप इसको जूम कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लगाना चाहें तो गाइस आप लगा सकते हैं। सो गाइस, ये फोटो हमने यहाँ पर लगा दिया है। सो गाइस, इसकी लेयर को भी आपको इतना बढ़ा लेना है जितना हमारा बैकग्राउंड है। सो गाइस, मैं ये वीडियो जो हमारा बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको प्ले करके दिखा भी देता हूँ। ये देखिए गाइस, जो हमारा वीडियो है कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो में सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं तो भाई ऑडियो में जाइएगा
ऑडियो में जाने के बाद आप कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं, यहाँ से कोई से भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं जो आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखे होंगे वो यहाँ पर आएंगे। मैंने ये डाउनलोड कर रखे हैं तो इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं। आप कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं और वैसे सॉन्ग ऐड करने के बाद आपको शेयर में जाइएगा और एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, जो ये वीडियो है आपके फ़ोन में हो जाएगा। आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वगैरह आप कहीं भी लगा सकते हैं। और वैसे ये वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग जाए कि इस तरह की वीडियो कैसे बनती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लो ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।